हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्ज़ाम जानकारी दैट इज़ अ सिस्टर चैनल ऑफ अनुराग तिवारी क्लासेस। दोस्तों, आज एक वीडियो वायरल हो रही है। बीजेपी के लीडर हैं दिल्ली के नवीन जिंदल जी, इन्होंने एक वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर डाली है। उस वीडियो में दिल्ली के एजुकेशन डायरेक्टर मिस्टर राय एक स्कूल का विजिट कर रहे हैं। 12th के बच्चे बैठे हुए हैं, एग्ज़ाम होने वाला है, स्कूल की प्रिंसिपल भी वहीं खड़ी हैं और बहुत सारे स्टाफ खड़े हैं, और वो कह रहे हैं बच्चों से, वैसे बाद में आपको बता चुका हूँ कि पेपर खाली मत छोड़ना, पेपर जो है कुछ भी लिख के आना, कुछ भी बोलो। कहा ही नहीं बात मैंने कई बार, अगर कहा हो तो कमेंट कर देना कि भैया आपने कहा था। मैं हमेशा कहता हूँ पेपर खाली मत छोड़ना, लेकिन भाई मैं तो एक प्राइवेट टीचर हूँ, मैं तो ऐसे सजेशन बोल सकता हूँ आपसे। यहाँ पर तो दिल्ली के संवैधानिक पद पर बैठे हुए मिस्टर राय दिल्ली के एजुकेशन डायरेक्टर एक स्कूल में गए और वहाँ पर वो बच्चों से क्या कह रहे हैं आप पहले खुद सुन लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और इस वीडियो की वजह से दिल्ली की सरकार, मतलब समझ जाओ, लो सुनो इसको। ये प्रिंसिपल हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? ओ भाई, ओ भाई, मारो मुझे, मारो। तो भाई ये हैं दिल्ली के एजुकेशन डायरेक्टर मिस्टर राय, और ये एक स्कूल के विजिट करने जाते हैं। मैं दोबारा वीडियो चलाता हूँ। एक स्कूल को विजिट करने जाते हैं, ये जो हैं ये प्रिंसिपल हैं, ये वाली, ये मिस्टर राय हैं। बड़े स्मार्ट बंदे लग रहे हैं देखने से ही। हालांकि इन्होंने कुछ गलत नहीं कहा मेरे ख्याल से, ये एक उन्होंने मोटिवेट करने के लिए बोला होगा। लेकिन दिल्ली सरकार अपने स्कूलों का रिजल्ट कैसे अप करती है, यहाँ पर पोल खुल गई और इसके ऊपर बहुत हंगामा हो गया। इसके ऊपर इतना हंगामा हो गया आप सोच नहीं सकते। वो कह रहे हैं कि हमने CBSE से बात कर ली और प्रिंसिपल से भी बात कर ली, आप बस खाली मत छोड़ना, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो क्या करोगे? तो बच्चे कहते हैं मैडम से पूछेंगे कि नहीं 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 मैडम से नहीं, एग्ज़ाम में। तो कहते हैं, तो फिर वो कहते हैं मैं बताता हूँ आपको, अगर पेपर नहीं आता तो आप ऐसा करना, खाली मत छोड़ना, क्वेश्चन पेपर ही उतार देना उसके ऊपर। तो एक लड़की कहती है सर ऐसे कैसे कि हमने प्रिंसिपल से बात कर ली है, मैडम से हमने कह दिया है कि मार्क्स मिलेंगे और हमने CBSE से बात कर ली है, CBSE भी मार्क्स देगी। तो भाई ये एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आ गया। वैसे घोटाला नहीं है, मैंने आपको बताया था जो 9th और 11th वाले बच्चे हैं वो बिल्कुल ना डरें, ये होता है। अब इसके ऊपर क्या पॉलिटिकल चलता है सब कुछ, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रही हैं जो कि ऑफिसर जो हैं दिल्ली सरकार के हैं, और ये गलत है वैसे ओपनली इस तरह बोलना। और यहाँ पर दिल्ली सरकार का जो प्रचार था कि हमारा रिजल्ट इतना अच्छा आया, दिल्ली के स्कूल इतने बढ़िया हो गए, इतने अच्छे बच्चे पास हुए, उसकी भी यहाँ पर पोल खुल रही है कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ घोटाला चल रहा है। कि एक पर्टिकुलर स्कूल में, दिल्ली के स्कूलों में अगर हो रहा है तो बहुत गलत है। या तो पूरे देश में ऐसा ही करो कि क्वेश्चन लिखने के भी नंबर दो, या फिर दिल्ली के बच्चों को क्यों फायदा दे रहे हो, सबको दो भाई। बिहार के बच्चों ने क्या बिगाड़ा, यूपी के बच्चों ने क्या बिगाड़ा, CBSE के पूरे देश में स्कूल हैं, सेंट्रल बोर्ड है CBSE, तो पूरे देश के बच्चों को बताओ ना ये बात कि तुम बस लिख के आ जाना, क्वेश्चन पेपर ही छाप देना तो आपको नंबर मिल जाएंगे। हालांकि मैंने ये नहीं कहा था आपको, मैंने कहा था कि खाली मत छोड़ना, क्वेश्चन में अगर आपको एक फॉर्मूला आता वो बना देना, लिख देना, डायग्राम आता वो लिख देना, ग्राफ आता वो लिख देना, ये बोला था मैंने, है ना, पक्की बात है ना। मैंने ये नहीं बोला क्वेश्चन पेपर उतार दोगे तो नंबर मिल जाएंगे, पर मिस्टर राय तो भाई यही कह रहे हैं। अब इनका, हमने इनको फ़ोन किया अभी थोड़ी देर पहले, मैं इनको फ़ोन करने की कोशिश कर रहा था पर इन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, और मैंने बहुत कोशिश करी कि इनका स्टैंड लूँ मैं। वैसे मैं इनको पर्सनली जानता हूँ, ये बहुत बढ़िया इंसान है, बहुत हाई क्वालिफाइड इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है। अब इन्होंने बात बच्चों को या तो मोटिवेशन के लिए कह दी क्योंकि बच्चे डर हुए होंगे मैं समझता हूँ, या फिर दिल्ली सरकार का कोई प्लान है कि अपने स्कूलों के बच्चों को वो पास ज़्यादा संख्या में पास करना चाहते हैं। चूँकि अभी क्या हुआ था कि दिल्ली के मिनिस्टर यूपी में आए थे, यूपी के स्कूलों का जायजा कर रहे थे वो, और यूपी के स्कूलों को बोल रहे थे कि यूपी के स्कूल बेकार है और दिल्ली के स्कूल बहुत अच्छे हैं। अभी अभी हुआ है, क्योंकि यूपी में इलेक्शन होने हैं अगले साल, तो दिल्ली सरकार का ये भी हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं चाहती हो कि देखो दिल्ली के स्कूल के रिजल्ट इतने अच्छे हैं और यूपी के इतने बेकार हैं। हालांकि सब पॉलिटिकल मामले हैं और हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं, ना हमें आम आदमी पार्टी से कोई दिक्कत, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, हमें तो बच्चों का फायदा चाहिए। अगर बच्चे पास होंगे किसी तरफ क्वेश्चन लिखने से तो पूरे देश के होंगे भाई, ये नहीं दिल्ली दिल्ली के होंगे, ठीक है, दिल्ली को भी करो पूरे देश को करो, ये हम कहना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और सबको शेयर कर दो कि क्या हो रहा है देश में। थैंक यू।
मुलायम सिंह जी की याद आ गई, जब नकल चलती थी, और बिहार के टॉपर की याद आ गई।